जय हिंद साथियों, मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान, देश की आवाज, वीरों की भूमि, पधारो हमारे देश। आप सभी देशवासियों का एक बार फिर से वेलकम है और सभी साथियों को मैं एक कुछ बातें जो है बताना चाहता हूँ। देखिए, आजकल जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग जो है बड़ी बड़ी एजुकेशन जो है ले लेते हैं, बड़े बड़े जो है डिग्रियां जो है लेके घूमते हैं, और उसके बाद में जब नौकरी नहीं मिलती है तो फिर जो है वो गलत रास्ते की तरफ जाते हैं, गलत दिशा की तरफ जो है बढ़ जाते हैं। और उसी की वजह से कुछ लोग जो है हैकर बन जाते हैं और उसके बाद में जो है वो लोगों को लूटना शुरू करते हैं। अभी कुछ देर पहले की बात है, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर तीसरे आदमी के साथ ऐसी घटनाएँ होती हैं, कुछ फेंक मैसेज, कुछ फेंक जो है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कैसे भी करके जो है लोगों को जो है आज एक जाल में फंसाया जा रहा है। अभी हुआ ये घटना कुछ इस तरह से थी कि मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और उस व्हाट्सएप मैसेज में ये लिखा होता है, किसी व्यक्ति का नाम लिखा था जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में था, और उसमें ये लिखा था कि इस आदमी ने जो है हमारे से लोन लिया है और ये लोन लेके जो है भाग गया है, और इसने जो है एक बच्ची के साथ जो है रेप किया है, और ये जहाँ भी दिखे जो है इसको जो है पुलिस से पकड़वाओ, और इसने जो है आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपका दिया हुआ है, तो जल्द से जल्द आप इससे कॉन्टैक्ट करें और अपने नंबर को जो है हटाएं। तो साथियों, मैं वहाँ पे जो है थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यार ऐसे किसी का नंबर आना, उसके बाद में जिस भाई का जो नंबर था वो, जिसके बारे में वो बातें कर रहा था, मैंने उसको तुरंत कॉल किया और उसको जो है वो चीज़ें फॉरवर्ड करी, तो उसने मुझे जो बताया, उसने मुझे बताया कि भाई जो है एक मैसेज आया था कि जो है बिना ब्याज के आप लोन ले सकते हैं, उस लिंक पे जो है मैंने क्लिक करा था और उसके बाद में जो है मेरे खाते में कोई लोन नहीं आया, उल्टा जो है इसने जो मेरी फ्रेंड लिस्ट जितनी भी थी, जितने नंबर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे, वो जो है सभी के पास जो है ये मैसेज कर रहा है इसी तरह से जिस तरह से आपके पास किया है। तो वहाँ पे जो है मैं उस बात को समझ गया और मैंने तुरंत जो है उसके पास कॉल किया जिस नंबर से मेरे पास व्हाट्सएप आया था। उसने मुझसे कहा कि जो है मैं तो जो है बटन वाला फ़ोन चलाता हूँ, मेरे को तो व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता। अब वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बाद में मैंने जो भाई था जिसके बारे में ये फर्जी अफवाहें वो फैला रहा था, उसको मैंने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके खिलाफ FIR करवाएं और पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर आप इसको 5,000 रुपये दे देते हैं तो कल जो है ये एक महीने बाद फिर से जो है आपसे 5,000 रुपये मांगेगा, तो इसलिए आपको इसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये उसी ने भेजी है जो हैकर था, और अलग अलग नंबर से जो है ये फ़ोन कर रहा है और व्हाट्सएप कॉल लगातार जो है उस भाई के पास अभी भी ये कर रहा है। हालांकि अब जो है हमने इसके खिलाफ FIR करवा दी है। तो मैं आप सभी साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए यार, भविष्य में आपको भी जो है इनका सामना करना पड़ सकता है, तो कभी भी कोई भी लिंक के ऊपर आप क्लिक ना करें, किसी भी अनजान नंबर से पहली बात तो बात करें नहीं, और करें तो उसको कोई भी जो है अपना कोड वगैरह नहीं बताएं। और देखिए, कभी भी किसी से, फिर चाहे वो कितना ही अपना जिगरी हो, मैं लड़कियों के लिए भी कहना चाहता हूँ और लड़कों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ भी अपनी प्राइवेट फोटो जो है आप शेयर ना करें, और ना भविष्य में आपको जो है खतरा हो सकता है, भविष्य में जो है आप संकट में आ सकते हैं। मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य में आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, इसलिए कोई भी जो है अननोन लिंक पे आप क्लिक ना करें, अननोन पर्सन को कोई कोड ना बताएं अपने मोबाइल पे आया हुआ, अननोन पर्सन के साथ अपनी प्राइवेट पिक्स जो है शेयर ना करें, कोई भी प्राइवेट बातें आप ज़्यादा शेयर ना करें, वरना भविष्य में आपको खतरा हो सकता है, भविष्य में आपको जो है ब्लैकमेल किया जा सकता है और आपसे पैसे की मांग की जा सकती है।
तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप सभी को जो है चेताया जा सके, सभी तक ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है पहुंचाई जा सके, क्योंकि मैंने देखा है कि हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब कोई ना कोई फर्जी आदमी जो है उसके टच में आता है और कई बार जो है हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो साथियों, इससे बच के रहना, क्योंकि आप मेरे भाई जैसे हो, मेरे छोटे भाई बड़े भाई जैसे हो। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, दिल की गहराइयों से आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।